दोस्तों, जैसे आपको 25 कस के निकालना है, इसका 625 आंसर है। ऐसे ही आपको यदि 35 कस के निकालना है तो इसका आंसर 1225 है। आप भी जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं बताऊंगा। यदि आपको, जैसे कि आपको 25 कस के निकालना है तो आपको करना क्या, आप कैसे करते हैं, ऐसे 25 को ऐसे गुना करते हैं, 25 से फिर आंसर निकालते हैं। लंबा प्रोसीजर हो जाता है दोस्तों। ऐसे आपको करना क्या है, आपको लास्ट की डिजिट की गुना 5 की 5 से गुना, और इसमें एक जोड़ देना है, 2 और 1 3, एक जोड़ देना है इसमें, ये 3 और 3 की 2 से गुना, 625। ऐसे ही आपको यदि 35 का स्केल निकालना है तो आपको करना क्या है, 5 की 5 से गुना, और जो आगे की डिजिट है इसमें एक जोड़ देना है, 3 और 1 4, और 4 की 3 से गुना। 35 का स्केल है 1225। एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 105 का आपको स्केल निकालना है तो आप क्या करेंगे, पीछे की पीछे से गुना, 5 की 5 से, और इसमें एक जोड़ देंगे, 10 और 1 11, और 11 की 10 से गुना, 10 और 1 11 होगी दोस्तों। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, 5 की 5 से गुना 25, और इसमें एक जोड़ देते हैं तो 10 10 की 9 से गुना, 90 25। यदि दोस्तों ये जो ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है, अब जिस अंक के पीछे 5 लगा हो आप उसका ही उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं ये ट्रिक, बाकियों पर नहीं कर सकते। वैसे स्केल निकालने की एक ट्रिक और है, उससे आप कोई भी स्केल निकाल सकते हो, जिसके पीछे 5 न हो वो भी निकाल सकते हो, लेकिन ये जो ट्रिक मैंने बताई है ये सिर्फ 5, जिसके पीछे 5 लगता है, ये उसकी ट्रिक है। एक ट्रिक और जाते इस वीडियो की लास्ट ट्रिक और बता रहा हूँ, जैसे कि आपके आगे ऐसे करके आ जाता है इसका स्केयर, या इसका स्केयर या कुछ भी 3 3, या ऐसे करके आ जाता है कुछ भी इसका स्केयर कितना होता है, तो आप निकालोगे तो टाइम बहुत लगता है। तो आपको निकालने की ट्रिक सीधी, जैसे कि ये है इसका स्केयर कितना है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, तो आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको उल्टा लिख देना है दोस्तों, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1, इसका आंसर ये है दोस्तों। ऐसे ही यदि ऐसे करके आ जाए इसका स्केयर, तो इसका आंसर क्या है, आपको क्या करना है, 1 2 3 4, तो आपको 1 2 3 4, और इसको उल्टा, 3 2 1, और क्या करना है, एक जो 2 है स्केयर, 2 का स्केयर आपको कॉमन लेना है, 2 का स्केयर कॉमन ले लिया, 2 का स्केयर को हम 4 लिख सकते हैं, 4 गुना में 1 2 3 4 3 2 1, इस 4 को हम यहाँ पर लिख कर गुना करके इसका आंसर निकाल सकते हैं सीधा, 4 8 12 16 1 17, 4 3 12 1 13, 4 2 8 1 9, 4, इसका आंसर है दोस्तों। ऐसे ही यदि आपको ऐसे करके कुछ आ जाए, कितना भी बड़ा हो, तो आप इसको गिन लेंगे, 1 2 3, जैसे कि ये 3 ही है, तो आप 1 2 3, और इसको उल्टा, 2 1, और 3 का स्केयर कॉमन ले लेंगे, 3 के स्केयर को हम 9 लिख सकते हैं। अब इस 9 की यदि इससे गुना करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, जैसे कि 9 9 9 18 9 3 27 1 28 2 9 18 2 20 9,
11 यह आपका आंसर है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी स्केयर कैसे निकाल सकते हैं, जिसके पीछे 5 न हो वो स्केयर कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्रिक अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।